हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ना ना, भारत में सिर्फ ये चार धर्म ही थोड़ी ना है। भारत में तो क्रिकेट को भी किसी धर्म से कम नहीं माना जाता और यहाँ क्रिकेटर्स का दर्जा भी किसी भगवान से कम नहीं। बेशक पहले इसे केवल पुरुषों का खेल माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब तो महिलाएं भी इस खेल में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दे रही हैं और रोज नए नए कीर्तिमान स्थापित करने लगी हैं। आज हम एक ऐसी ही बेहतरीन भारतीय महिला क्रिकेटर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने काफी कम उम्र में ही अपने टैलेंट के दम पर एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। अगर हम इन्हें आज के भारतीय क्रिकेट महिला टीम की बैकबोन कहें तो ये शायद गलत नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना के बारे में, जिन्होंने अपने शानदार खेल की बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व भर में एक अलग पहचान दिलाई है। तो चलिए बात करते हैं इस महिला क्रिकेटर की जिंदगी और करियर के बारे में। अपने बड़े भाई को क्रिकेट खेलते देखकर स्मृति ने भी क्रिकेट खेलना शुरू किया था। एक इंटरव्यू के दौरान स्मृति के पिता ने बताया था कि स्मृति जब केवल 4 साल की थी, तभी से वो अपने पिता और भाई के साथ सुबह उठकर क्रिकेट ग्राउंड जाया करती थी। उस दौरान वो गेट के पीछे खड़ी होकर अपने बड़े भाई को क्रिकेट खेलते हुए देखा करती थी। इस तरह अपने बड़े भाई को क्रिकेट खेलता देख स्मृति के अंदर भी एक क्रिकेटर बनने की इच्छा जाग उठी और बाद में आगे चलकर उनकी ये इच्छा जुनून में बदल गई। स्मृति के क्रिकेटर बनने की चाहत को देखते हुए उनके पिता और भाई ने उन्हें क्रिकेट ट्रेनिंग देना शुरू करवाया। वैसे तो स्मृति राइट हैंडेड है, लेकिन भाई को लेफ्ट हैंड बैटिंग करता देख उन्होंने भी बचपन से ही लेफ्ट हैंड से बैटिंग करना शुरू कर दिया था। इस तरह वो बड़ी होकर पूरी तरह एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन बन गई। अपने भाई और पिता के गाइडेंस में खेलते हुए ही 9 साल की उम्र में स्मृति महाराष्ट्र के अंडर 15 में भी अपनी जगह बना चुकी थी। 11 साल की उम्र तक आते आते वो महाराष्ट्र के अंडर 19 टीम में अपनी जगह बना चुकी थी। और यही तो स्मृति का पूरा परिवार चाहता था कि स्मृति क्रिकेट में ही अपना करियर बनाए और एक दिन नेशनल टीम के लिए खेले, इसलिए वो हर तरह से उसे सपोर्ट करते थे। स्मृति मंधाना ने 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और अंतिम T20 मैच में खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कदम रखा और ओपनिंग करते हुए 39 रनों की उमदा पारी भी खेली। इसके बाद 10 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे ओडीआई मैच में खेलते हुए द्विवार्षिक क्रिकेट में भी उन्होंने अपना डेब्यू किया और इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 25 रन बनाए। स्मृति अब अचानक सुर्खियों में आ गई थी जब उन्होंने अक्टूबर 2013 में महाराष्ट्र की तरफ से गुजरात के खिलाफ एक ओडीआई मैच में खेलते हुए केवल 150 गेंदों में 224 रन बना डाले थे। इसी के साथ वो ओडीआई क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस दिन जिस बल्ले के साथ खेलते हुए स्मृति ने ये रिकॉर्ड कायम किया था, वो बल्ला किसी और ने नहीं बल्कि भारत के महान बल्लेबाज और विश्व के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर में से एक राहुल द्रविड़ ने उन्हें भेंट की थी। इसके अगले ही साल अगस्त 2014 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक इकलौते टेस्ट में खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में भी अपना कदम रखा। अपने डेब्यू टेस्ट में भी स्मृति ने 22 और 51 रनों की उम्दा पारी खेलते हुए अपनी काबिलियत को साबित कर दिखाया। साल 2016 में आईसीसी विमेंस चैंपियन के दूसरे ओडीआई मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक बना दिया। हालांकि वो मैच भारतीय टीम हार गई, लेकिन स्मृति को उनके शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। इसी साल वो आईसीसी विमेंस क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली अकेली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। सितंबर 2016 में ऑस्ट्रेलियन T20 टीम ब्रिस्बेन हिट ने स्मृति मंधाना को बतौर ओवरसीज प्लेयर विमेंस बेस्ट लीग के लिए साइन किया। इसी के साथ वो और हरमनप्रीत कौर विदेशी T20 लीग खेलने वाली पहली दो भारतीय महिला बनी। बिग बैश लीग के दौरान ही उन्हें घुटने में इंजरी हो गई और उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा। इंजरी से उभरने के बाद वो सीधा साल 2017 के वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में शामिल हो गईं। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए अपने पहले वर्ल्ड कप मैच में स्मृति ने एक बार फिर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए
72 गेंदों में 90 रनों की लाजवाब मैच विनिंग पारी खेली और टीम इंडिया को इस वर्ल्ड कप में शानदार शुरुआत दी। वेस्टइंडीज के खिलाफ अगले मैच में तो स्मृति ने 106 रनों की नाबाद शतक पारी खेलकर मैच को पूरी तरह एक तरफा बना दिया था, लेकिन फाइनल्स में इंग्लैंड के खिलाफ 229 रनों के टारगेट का पीछा करने के दौरान वो शून्य पर ही आउट हो गईं, जिसकी वजह से भारतीय टीम को वो शुरुआत नहीं मिल पाई जिसकी उसे उम्मीद थी। इस तरह अंत में भारतीय टीम यह मैच करीबी मुकाबले में 9 रनों से हारकर वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका गवा बैठी। फरवरी 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले दो मैचों में स्मृति ने 84 और 135 रन की मैच विनिंग पारी खेलकर भारत को यह सीरीज 2-1 से जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद ओडीआई सीरीज में वो अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बन गई। इसी साल आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप एक अहम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्मृति ने 83 रन की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर T20 क्रिकेट में अपने 1000 रन भी पूरे किए। स्मृति की इस मैच विनिंग पारी की बदौलत भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक का सफर तय करने में कामयाब रही। साल 2018 में ही आईसीसी ने स्मृति को विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और विमेन ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना। इसी साल उन्हें भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड देकर भी सम्मानित किया गया। फरवरी 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में केवल 24 गेंदों में अपनी 50 करते ही वो T20 नेशनल में फास्ट 50 बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी बनी। इसी समय वो ICC के ODI रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन भी बनी। इस साल मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए पहले T20 मैच में बतौर कैप्टन ग्राउंड पर उतरते ही वो भारत की तरफ से यंगेस्ट T20 कैप्टन भी बनी। हालांकि इस मैच में क्रिकेट टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इसी साल वो इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने में भी कामयाब रही। नवंबर 2019 में ही वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज के अंतिम और फाइनल मुकाबले में 74 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर वो ODI में क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली और विश्व की तीसरी महिला क्रिकेटर बनी। उन्होंने ये कारनामा केवल 51 मैचों में करके दिखाया। इसी के साथ स्मृति साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी थी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में स्मृति अपनी काबिलियत के अनुसार परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसका खामियाजा भारत को फाइनल्स में भुगतना पड़ा था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि स्मृति मंधाना एक बहुत ही प्रतिभाशाली महिला क्रिकेटर है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम को और भी ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगी। उन्होंने अपने अभी तक के अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान 51 ओडीआई मैचों में 45 की एवरेज से 4 शतक 17 अर्धशतक के साथ 2025 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 135 रन है। वहीं 75 T20 मैचों में उन्होंने 1716 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 86 रन है। इसके अलावा उन्होंने 2 टेस्ट मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने एक अर्धशतक की मदद से 81 रन बनाए हैं। अब ये आंकड़ा इस बात को साबित करने के लिए तो काफी ही है कि वो कितनी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और उन्होंने तो आने वाले समय में और भी कई कीर्तिमान स्थापित करने ही हैं। अब अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो फिलहाल स्मृति सिंगल हैं और उनका पूरा फोकस अपने खेल की ओर है। स्मृति ने शामली में SM18 नाम से एक कैफे भी खोला हुआ है, जिसका काम ज्यादातर उनके पिता ही देखते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उनके पिता आज भी समय निकालकर स्मृति के क्रिकेट प्रोग्राम का ध्यान रखते हैं। उनकी माँ इस बात का ध्यान रखती हैं कि स्मृति को सही डाइट मिले और उनके भाई श्रवण तो आज भी अपनी बहन को रोज नेट पर बैटिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना की अभी तक की शानदार क्रिकेटिंग सफर की एक छोटी सी दास्तान।